नमस्कार दर्शकों, मैं सुस्नेहा शर्मा आप सभी का दशा माँ दशा प्रोग्राम में हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज हम जानने वाले हैं धनुराशि और उसके भाग्य के बारे में कि क्या कहते हैं धनुराशि वालों का भाग्य, कैसा है उनका नेचर, किस चीज में उन्हें अपना करियर बनाना चाहिए, उनके जीवन के छोटे से छोटे रहस्य आपको जानने को मिलेंगे हमारे प्रोग्राम के अंदर। सबसे पहली बात, हमारा नेचर हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि उसी के माध्यम से ही हम अपनी जगह, अपने नाम, अपनी प्रतिष्ठा को बना पाते हैं लोगों की नज़र में। जीवन में हम कुछ कमाएं ना कमाएं, धन तो हम बाद में कमाते हैं, लेकिन सबसे पहले हम क्या कमाते हैं अपने जीवन में, अपने नाम को कमाते हैं, क्योंकि हमारा नाम ही हमारी असली पहचान है। इसीलिए हमारा नाम कैसे बनेगा, दो चीज़ों से बनता है हमारा नाम, एक हमारे काम से, हमारे कर्म से, दूसरे हमारे व्यवहार से। ये दोनों ही अगर अच्छे हैं तो जीवन में ऐसी कोई सफलता नहीं है कि वो हमारे नाम को रोशन करने से रोक सके, हर सफलता व्यक्ति को प्राप्त होती है। तो यहाँ पर हम बात करें धनु राशि की, तो उस राशि को समझने के लिए सबसे पहले कुछ बेसिक बातें हमको समझनी पड़ेंगी कि ये राशि चक्र की कौन सी राशि है, नवी राशि है। ये किस दिशा की मालिक है, तो ये दिशा इनकी मालिक जो है वो है पूर्व दिशा की मालिक है। ये राशि का चिन्ह जो है वो क्या है, अश्व है, मानव है। तो इसका विस्तार चक्र क्या है, 240 अंश से लेकर 270 अंश तक। वृषभ राशि का स्वामी कौन है, बृहस्पति है। किस तत्व की है, अग्नि तत्व की राशि है। तो सबसे पहले इस राशि वालों को समझना जरूरी है, कैसे समझ सकते हैं। ये राशि जो है बृहस्पति प्रधान है, तो बृहस्पति के सारे गुण इनके अंदर देखने को मिलते हैं। मीन राशि से भिन्न होती है, थोड़ी अलग होती है, भले राशि स्वामी एक हो। जैसा मैंने आपको मेष और वृश्चिक राशि के बारे में बताया था कि दोनों का राशि स्वामी एक होने पर भी दोनों के नेचर्स में कितना डिफरेंस है, ठीक उसी तरीके से ही धनु में और मीन राशि में दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। तो यहाँ पर धनु राशि जो है वो अध्यात्म, साहित्य और धर्म की ओर है, शिक्षा के क्षेत्र से ज़्यादा जुड़ी हुई मिलेगी। भाग्य भवन में अगर बृहस्पति मिला हुआ हो तो पूरी ज्ञान वाली राशि है, यानी ज्ञान का एक असीम भंडार अगर कहीं है तो वो धनु राशि के अंदर में। कुंडली में अगर ऐसे योग हों तो ये बिल्कुल आध्यात्म की ओर चले जाते हैं। ये हमेशा प्रेजेंट में जीने वाले लोग हैं, अपने लक्ष्यों के प्रति हमेशा सचेत रहते हैं, इन्हें पता है इनको कैसे कौन सी चीज़ को अचीव करना है, ये अच्छे से जानते हैं। इनके अंदर की एक खासियत होती है, ये अपनों का ध्यान बहुत ज़्यादा रखते हैं, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव होते हैं अपनों को लेकर। इनके अंदर साहस अच्छा होता है, डर वाली बात नहीं होती है, लेकिन केवल एक चीज़ से डरते हैं, बुरे कर्म से डरते हैं, गलत कभी किसी के साथ नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि अंदर ज्ञान है। जिस व्यक्ति के अंदर ज्ञान है वो कभी किसी के साथ गलत नहीं कर सकता। ये लोग स्वभाव के थोड़े गंभीर होते हैं, अपने परिवार को ज़्यादा महत्व देते हैं, लेकिन अगर कुंडली में ऐसे कई योग हो दूसरे या ग्रहों की स्थिति ऐसी हो तो ये बृहस्पति खराब होने पर अपने परिवार को ध्यान नहीं देते हैं, बाकी दूसरे लोगों के प्रति ज़्यादा ये डिवोटी रहते हैं लेकिन अपने परिवार के प्रति नहीं रहते। दूसरों के लिए सब कुछ करेंगे लेकिन अपने परिवार के लिए कुछ नहीं करेंगे। इनके अंदर एक आदत देखी जाती है मेनली कि दूसरों को सबसे पहले सलाह देने पहुंच जाएंगे, कोई सलाह मांगे ना मांगे, मदद मांगे ना मांगे, लेकिन सबसे पहले दूसरों को सलाह देनी है और उनकी मदद भी करनी है। और कभी कभी यही कारण बन जाता है इनके लिए मुसीबत का कारण भी। ऐसे लोगों से मिलना जुलना पसंद करते हैं जो पॉजिटिव हो, अपनी लाइफ में आगे बढ़ने वाले हों और खुश मिजाज हो। इनको सबसे ज्यादा मान सम्मान अधिक प्रिय होता है। मान लीजिए, एक उदाहरण देती हूँ आपको, थोड़ा समझने में और आसानी हो जाएगी। जैसे कि इनके परिवार वालों के लिए कोई कुछ गलत बोल रहा है, एक पल को सुन भी लेंगे, लेकिन इनके बारे में अगर किसी ने कुछ गलत बोल दिया फिर सामने वाला तो गया। यानी अपने ऊपर, अपने नाम के ऊपर ये कुछ भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। फैमिली वालों का ध्यान बेशक रखते हैं, उनके लिए प्रोटेक्टिव बहुत ज़्यादा है, लेकिन खुद के नाम के प्रति उससे भी ज़्यादा प्रोटेक्टिव है, फिर उसके आगे कुछ भी नहीं चलने वाला। तो ऐसे में फिर यहाँ पर ये स्वयं का सोचने वाले हो जाते हैं, परिवार वालों के खिलाफ आराम से सुन लेंगे,
एक बार को तो, लेकिन खुद के बारे में सुनना इनके लिए बस का नहीं है। इन्हें एक काम करना चाहिए कि इनके पास जो ज्ञान है उन्हें ज्यादा से ज्यादा दूसरों में बांटना चाहिए। अपने उस ज्ञान के पीछे अहंकार को कभी भी बढ़ने नहीं देना चाहिए। ये अच्छे मार्गदर्शक बन सकते हैं किसी के लिए। इसीलिए जितना ज्यादा ज्ञान को बांटेंगे उतना ज्यादा इनका ज्ञान भी बढ़ेगा और दूसरों का भी ज्ञान बढ़ेगा। जितनी इनकी उम्र नहीं होती है उतनी ही समझदारी भरी बातें इनकी देखने को मिलती है। कई बार ये ऐसा कुछ बोल जाते हैं कि यकीन ही नहीं होता, इसकी उम्र इतनी कम है और इतनी बातें, ये इतनी ज्ञान वाली बातें ये कैसे कर लेता है, जो किसी के भी सोच में ना आई हो ऐसी बातें। कई बार आप मुश्किल में हो, मान लीजिए किसी से बात करने, इन्होंने सुन भी लिया, तुरंत आपको राय दे देंगे और आप परेशानी से निकल भी जाएंगे। लेकिन कुछ स्थिति में ऐसा हो जाता है कि वही दिया गया यहाँ पर उनकी राय उन्हीं के ऊपर भारी पड़ गई, अगले ने उनके राय को फॉलो किया और रिजल्ट क्या आ गया, रिवर्स आ गया। मित्रों के बहुत प्रिय होते हैं, अपने आसपास मित्र मंडली जमा करना इन्हें बहुत ज्यादा पसंद होता है। अकेले रहने वाली राशि नहीं है ये, इन्हें आसपास बहुत सारे लोग चाहिए, भीड़ चाहिए। अकेले बैठना इनके लिए ऐसा समान है मानो किसी ने इनको अकेले कमरे में बंद कर दिया हो। तो इन्हें आसपास अपने मित्र मंडली जमा करनी है, उनके साथ में रहना है, बैठना है, उनसे खूब सारी बातें करनी है। यही इनको मेन सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। मान लीजिए कभी ये बोर भी हो रहे तो सबसे पहले कहाँ जाएंगे, अपने मित्रों के पास में जाएंगे, अपने परिवार वालों के पास में जाएंगे, लेकिन अकेले नहीं बैठने वाले। इनके लिए सबसे अच्छा कार्य क्षेत्र कौन सा रहता है, इनके लिए सबसे अच्छा कार्य क्षेत्र यहाँ पर रहता है ज्ञान से संबंधित, एजुकेशन लाइन इनके लिए अच्छी है। ये एक अच्छे वकील बन सकते हैं, एक अच्छे जज बन सकते हैं, यहाँ पर हम बात करें यहाँ पर ये अच्छे सलाहकार बन सकते हैं, एक अच्छे काउंसलर बन सकते हैं। यहाँ पर स्वास्थ्य संबंधित जो बात करें हम, यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा इनको परेशानी देखने को मिलती है वो देखती है थाइज में पेन, कमर के नीचे निचले हिस्से की हड्डी, टेल बोन में प्रॉब्लम, बैठने में तकलीफ होना, साइटिका का प्रॉब्लम, वजन का ज़्यादा बढ़ जाना या फिर शरीर ना बनना, हद से ज़्यादा दुबला रहना, इस तरह की कुछ परेशानियाँ इनको देखने को मिलती है स्वास्थ्य संबंधित अपने जीवन में। ज़्यादातर ये स्वस्थ जीवन ही व्यतीत करते हैं, लेकिन बृहस्पति खराब हो या फिर कुंडली के अंदर कोई ग्रह खराब हो, ग्रहों की स्थिति शुभ ना हो, तो ऐसे में समस्या स्वास्थ्य संबंधित गंभीर भी हो सकती है। इनके लिए जो सबसे अच्छा समय है वो समय आता है आयु के 32वें वर्ष में। तो इनके लिए सबसे अच्छा गोल्डन पीरियड माने इन राशि वालों के लिए तो आयु का 32वां वर्ष जो है वो सबसे अच्छा रहता है। प्रथम संतान के बाद इनके जीवन में उन्नति देखने को मिलती है। इनकी जब पहली संतान हो जाती है उसके बाद इनके जीवन में काफी उन्नति आती है। इनके लिए सबसे अच्छा कलर कौन सा है, इनके लिए सबसे अच्छे कलर की बात करें तो कलर है इनके लिए पीला रंग, येलो कलर इनके लिए सबसे ज्यादा शुभ है। उसका उपयोग ये अपने वस्त्रों में कर सकते हैं, रुमाल में कर सकते हैं, या उस रंग का धागा प्रयोग कर सकते हैं, अपनी कलाई पे बांध सकते हैं, अपने कमरे के इंटीरियर्स में या अपने ऑफिस के इंटीरियर्स में यूज़ कर सकते हैं। अब ये इनके ऊपर है कि इस रंग की पॉजिटिविटी को कैसे बनाए रखना है और कैसे बढ़ाए रखना है। ये तो हमने जाना आज धनुराशि वालों का हाल कि कैसे होते हैं धनुराशि वाले जातक व जातिकाएं, दोनों में यहाँ पे समानताएं देखने को मिलती हैं। अगर आप भी अपने बारे में जानना चाहते हैं, अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं या फिर हस्तरेखा के माध्यम से अपने बारे में जानना चाहते हैं तो उसके लिए आप टीवी स्क्रीन पे जो नंबर डिस्प्ले हो रहा है उस पे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अब हम जानेंगे, बढ़ेंगे अपने